students, welcome back to my channel. And today we are going to discover or learn about verify distributor laws. So जो आज हमारा टॉपिक है जिसको हम करने जा रहे हैं वो है verify the distributive laws. So मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 parts करवाऊंगी और मैं अभी वो मार्क कर देती हूँ 3 parts और वो मैं करवाने जा रही हूँ 5 part, 9 part एंड 6 part. अब मैं 3 part आपको इस क्वेश्चन के कराने जा रही हूँ. सो फर्स्ट हम 5 part को करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. गाइस, हम इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना होता है. अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर इसका आंसर डिफरेंट आएगा तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है. अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो हमने लिखा 8, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम लिखेंगे a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10. अब 8 में 2 प्लस करें तो 10 आ जाता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 द आंसर विल बी 100. अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चले जाते हैं. 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 80 और 20 आ गया. अब हम प्लस करेंगे 80 प्लस 20, सो द आंसर विल बी 100. सो लेफ्ट हम फिर लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, सो इट्स मीन आर क्वेश्चन इज राइट नॉट रॉन्ग. इसकी इन क्वेश्चंस को करने की सबसे बड़ी हिंट यह है कि अगर आपका क्वेश्चंस के 2 answers सेम आएगा तो इट्स मीन कि आपको वो क्वेश्चन ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4, 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4, ये लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करते हैं. आप देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 4 निकाल दो तो 1 आ जाता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आ जाता है. अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 4. अब देखो यहाँ रफ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 आता है और 12 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर विल बी 24, 4 2 8 और 4 1 48 आंसर आ जाए. अब 60 माइनस 48 करो तो द आंसर विल बी 12. सो हमने यहाँ 12 लिख दिया. फिर हम लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड द आंसर विल बी सेम, सो इट्स मीन आवर क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, इट्स राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5. एंड हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर हम राइट हैंड साइड. सो 7 + 3, 7 में 3 प्लस करो सो द आंसर 8 9 10 एंड 1 विल बी 20. अब 20 में 5 मल्टीप्लाई करो सो द आंसर विल बी 100. ओके, सो ये लेफ्ट हैंड साइड थी. अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ. 7 मल्टीप्लाई बाय 5 85. ओके, दिस इज नॉट 88, इट्स 85. सेवन मल्टीप्लाई बाय 5 करो 85 आया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 85 प्लस 15 द आंसर विल बी 100. दो चार 85 15 प्लस 10 और 1 ऊपर चला गया 9 और 10, सो द आंसर विल बी 100. सो वी कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, द आंसर विल बी सेम. और अब मैं जो आपको होमवर्क दे रही हूँ वो ये है कि आपने इन सब
पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर सारों का आंसर सेम आया तो इट्स मीन आपके सारे क्वेश्चन ठीक हैं। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।